इस तरह बड़े प्यार सत्कार नाल जुड़े रहना। सरदार बलकौर सिंह जी सिद्धू मूसेवाले दे सत्कार योग पिता जी और उन्होंने माता जी वो संगत दे सामने आउणगे ते आईयां होईयां सारियां शख्सीयतां दा समुचे रूप विच ते संगतां दा धन्नवाद करनगे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी हजूरी विच पहुंचे होए बेटे दी अंतम अरदास ते पहुंचे बख बख राजनीतिक दलां दे आगू साहिबान बख बख पूरे भारत वर्ष चो सारिया ही स्टेटा तो सिद्धू नू प्यार करन वाले भैन भरा सारिया ही संस्थावां क्लब जिन्हें भी तुसी इत्थे पहुंचे हो एक बार गुरु की फतेह अर्ज करदा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भरावो 29 मई नू ऐसा मनहूस दिन चढ़िया सी जिस दे अनुसार ये भाणा वरत गया, पर तुहाडे प्यार ने तुहाडे वल्लों जो हंझू बहाए ने उसने मेरा दुख काफ़ी हद तक घट किया। ये घाटा जे मैं तुहानू कहाँ भी मैं आसानी नाल पूरा कर लूँगा जां सहन कर लूँगा तां ये सब कहण दीआं गल्लां तां हो सकदियां, पर इसनू मेरा परिवार ही समझ सकदा अज असीं कित्थों ते कित्थे पहुँच चुके हैं। गुरु साहब दे हुक्म ने गुरबाणी सानू दसदी है एक उही रस्ता बचा। गुरु साहब तो सेध लेके दशमेश पिता तो सेध लेके कोशिश करूँगा अगली जिंदगी नू रोड़न दी, अगली जिंदगी नू शुरू करन दी। सच्चे पातशाह गुरु साहब तां शक्तियां दे मालक सी, संत सिपाही सी, गुरु सी, वो तो इन्नी झल गए, पर मैं इन्नी जोगा दुनिया भी नहीं सी। पर महाराज फिर भी तुहाडा हुक्म सिर मत्थे है, जिंदगी नू हर हालत विच चलदी रखांगा, ये तुहाडे नाल वादा करना। जितों तक शुभदीप का सवाल है, वो एक बड़ा सीधा साधा नौजवान जिवें आम पिंड जट्टां जवाक हुंदे आ इस तरह का उहदा जीवन सी। भरावो नर्सरी दे विच जदों मैं मानसा विद्या भारती स्कूल दे विच पढ़न लग्या तां मेरा ख्याल उदों मेरे पिंड नूं कोई इत्थों बस भी नहीं जांदी सी। उहनां समयां दे विच साधनां दी बड़ी घाट सी, पर फिर भी कदे बसां दे उत्ते कदे अपने स्कूटर ते छड्ड के कदे 2.5 साल दा सी 3 साल दा जो सैकंड क्लास दे विच पढ़दा सी मैं फायर विभाग दे विच वीरों नौकरी करदा उधरों अग लग गई, उधरों मैनूं छड्डण गया होया मैं 20 मिनट लेट हो गया। उस दिन तो मैं कहा पुत्रा जा तू पढ़ेगा जा मैं नौकरी करूँगा। असी छोटा जा साइकिल लेता, तुसी यकीन करो सैकंड क्लास तो साइकिल ते जाना शुरू किया, बच्चे ने प्लस टू तक साइकिल चलाया, डेली 24 किलोमीटर स्कूल जाना, फिर 24 किलोमीटर ट्यूशन ते जाना। इस बच्चे का कण कण मेहनत के नाल भरिया पिया है, कितने भी मतलब पैसे दिया तंगिया तुरछिया के नाल असी बड़ी असी दो भरा हैं, सानू 5-5, 6-6 किले पितापुर की जमीन आँदी सी, कोई पैसे की भी कोई आप कह दिए भी ज़्यादा अमीर वाली गल नहीं सी, भी खिचता धू करके अपना टाइम पास किया। इन हालातों चो मैं बच्चे इतों तक लेके आया, कदे जेब खर्च भी इस बच्चे पूरा नहीं मिलिया सी, पर इन्हें अपनी मेहनत सदका प्लस टू की नॉन मेडिकल दे नाल, उस तो बाद ग्रेजुएशन करन वास्ते लुधियाना जी गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, उपरंत आईलैट्स करके बाहर चला गया। वीरो सारी डिग्री करन उपरंत भी इसने मैनू कदे भी तंग नहीं किया, जेड़ा भी जेब खर्च माड़े मोटे गाने लिख लेंदा, जो कोई जेब खर्चा मुकदा एक दा गाना सेल करता तो आपका टैलेंट पाया। इस तरह ही बुलंदियों ते पहुँच तक भी इस बच्चे ने कदे भी अपनी जेब दे विच पर्स नहीं रखिया। देखो जदों भी कोई 1000 की लोड़ है 2000 की लोड़ है पापा दो पैसे मिल
इन्नी निम्रता इन्ना प्यार मैं कहना जिन्ना साढ़े हिस्से आया शायद ज़्यादा करन करके जल्दी मुक गया। मैं महसूस करना ये बच्चा जदों भी घरों निकलता कदे भी पैरी हाथ लाए तो बिना आग्या लाए तो बिना गड्डी दी सीट ते बैठ भी जाना माँ माँ कह के बोल मारते रहना जब तक माँ बुक्कल च ना लेंदी कन्न थले टिक्का ना लाउंदी कदे घरों नहीं चलिया सी वीर 29 तरीक पता नहीं किहो जी आई कि माँ पिंड विच मर्ग हुई सी किसी दे बैठन चली गई पर मैं घर विखे सी मैं कहा भी मैं पुत्र तेरे नाल चलदा परंतु कहना तुहाडे कपड़े ठीक नहीं मैं खेतों आया सी ते तुसी आराम कर लो नहा धो लो मैं 5 मिनटां जी बस जूस वगैरह पी के वापस आ गया। तो जिहड़ा वह मैं हमेशा परदे की तरह परछावां बन के बच्चे दे नाल रहा सारी जिंदगी ते आखिर समय दे उत्ते वीरों मैं भी खुंझ गया ते अज मेरे हाथ वो समा नहीं लग रहा मैनू बार बार पछताउण तो अलावा मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। वीरों तुसी सरकारां दे मालक हो सारे लीडर साहिबान बचे हो मेरे पंजाब नूं इस अग चों कढ लो अज मेरा उजड़िया कल किसी का होर ना उजड़े मेरी थोड़े सारियां दे अगे हथ बन के बेनती है कि मैनू हजे तक यह भी नहीं पता भी मेरे बच्चे का कसूर की सी कम से कम जे मेरा बच्चा कोई गलती करता है तो अपनी समाजिक रीत अलंबा वो माँ बाप को दे के आने भाई भाई तेरे बच्चे ने आ डोलिया बिगाड़िया सब इनू कंट्रोल कर ला। मेरे को अज तक भी एक भी फोन कॉल या किसी का कोई अलंबा मेरे को अज तक नहीं आया सी दोने जी बैठे। मैं गुरु ग्रंथ साहब वाल हथ करके कहना मेरा बच्चा मेरे गल लग के रोया भी पापा मैनू एक गल दसो हर एक चीज़ मेरे नाम नाल क्यों जुड़ जाती है। मैं किसी का भी माड़ा नहीं किया मैं उतो फिर भी मैं यकीन नहीं किया भी नौजवान बच्चे है कई बार माँ बाप को नहीं पता होंगे कोई छोटी मोटी गलती कर जाते हैं। मैं क्या मेरे सिर पर हाथ रख के सौ खा आपकी माँ के सिर पर हाथ रख के सौ खा दोने हाथ रखा के कहा भी तू कदे भी किसी का कोई फोन कॉल ज किसी चीज़ में बोलबता नहीं है कहना नहीं है। फिर मैं क्या तेन डरन की लड़ नहीं है अपना परमात्मा से विश्वास है अपना कोई माड़ा नहीं करता। वीरो जे आपा कोई गलत काम करते हुए तो शैतान बंदा अपनी सौर सुरक्षा करता है जे मेरा बच्चा कदे किसी कित गलत भी हों तो कला गड्डी लेके कदे नहीं आता सी वो नाल 5-7 गनमैन भी रखता चाहे प्राइवेट मुंडे प्राइवेट क्यों ना रखते सी क्योंकि सानू कदे खतरा महसूस होया ही नहीं सी। असी छोटी मोटी जिहड़े हालात बिगड़ते कंट्रोवर्सियां चल दियां रहियां उन्हां तो असी इन्ने ज़्यादा परेशान सी पर सोशल मीडिया की कृपा भी इन्नी रही भी छोटी जी गल हुंदी नहीं तो उन्हूं बधा चढ़ा के पेश करी जाना। सोशल मीडिया से मेरे बुरे हाथ बन के थोड़े बुरे बेनती है वीरो दुख असी पुत का जर लेंगे थोड़े ना वादा करता गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी से असी अपनी जिंदगी किवें ना किवें रोड़न का हीला कर लेंगे पर मेरे परिवार को मेरे पुत के सिवे उत्ते वख वख खबरां ना बनायो उन्हूं किते कहानियां बना बना के स्टोरियां ना पायो। मैं पुत गुआया जदों मैं देखना मैं फोन नहीं देखा वीरो जिदन की घटना हुई है मैं जदों पढ़ता मेरा हिरदा बलूंदर जाता है। मेरा बच्चा बेहद संत साध सुभा का बच्चा सी वो कदे भी किसी का नुकसान करना नहीं चाहता सी पर उदा अपना हो बैठा क्योंकि जे वो मन के कोई भी पुन पाप हुंदा जां उन्हूं किसी गल तो खतरा हुंदा तां वो अपनी सुरक्षा का होर भी प्रबंध कर सकता सी वो बुलंदियों पर पहुँच के अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी रख सकता सी। तुसी खा मखा हरेक चीज़ को खबर ना बनाया करो कदे तुसी भाई राजे बारे कुछ बोल दिंदे हो कदे किसे वीरो साडी जिहड़े परिवार ने मदद करी है जिहड़ा भरा 2 साल तो साडी मदद करदा रहा है की कसूर हो गया जे असी उहदा तुसी ना लै लै के बुरा भला बोल दो मैनू बहुत बुरा लगता इस गल तो वीर बन के सानू मैं तुहानू सारयां नू क्लीयर कर दिंदा क्योंकि तुहानू सारे तुसी सुनन वाले सारी गल सुनना चाहते हो। सिद्धू दा नूं इलैक्शन च कोई नहीं लेके आया सिद्धू नूं उहदा इलैक्शन लड़ना अपना मन सी मैं भी रोकया भाई राजे ने भी रोकया उहनूं भाई तेरे बस की गल नहीं तेरा बड़ा वधिया फ्यूचर चलता सानूं तां इक हलका जानदा ते तूं तां दुनिया ते मशहूर है उहदा अपना फैसला सी वीरो एवें ना किसे नूं बुरा भरा बोलिया करो। मेरी थोड़े चरणां च हथ बन के बेनती है वीरो पहाड़ जिड्डा दुख है कहना सौखा है ये कर लेंगे वो कर लेंगे पर जिंदगी दे विच बिल्कुल घुप हनेरा होया पर शायद मैं सोचता हुंदा सी
भी बंद एक अद्धा पड़ा हर एक इंसान की जिंदगी दे विच माड़ा हुंदा है, चाहे बचपन आ जाए, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे जवानी आ जाए। पर मैं एक बदकिस्मत बाप हाँ, मैं बचपन भी माड़ा वेख्या, मैं बुढ़ापा भी माड़ा वेख रहा। चलो फिर भी ये अपने कोई कर्मा दियाँ तकदीर दे, कोई मैथों गऊँ के वाड़े में अग लगी होनी है, कदे कोई पाप होया होना। मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं बेनती करदा भी सच्चे पातशाह जान बच्चा समझ के होइयां पुल्लां दा परिवार ते हथ रखियो। किसी भी वीर नूं कदे कोई सिद्धू ने वीर बच्चे ने कुछ शब्द माड़ा चंगा बोलता होवे, मेरे परिवार ने कदे किसी नूं बोलता होवे, मैं सारिआं तों हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा वीरो। तुसीं इवें जिवें सिद्धू नाल प्यार बनाई रखियो, मैं वादा करदा जिन्नी कि मेरे च हिम्मत बची है, मैं अपने बच्चे नूं सिद्धू तां नहीं बन सकदा पर उहदे कदमां ते चलण दी कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है भी हले सिद्धू नूं मैं 5-10 साल तक जिउंदा रखा, क्योंकि सिद्धू गीता राही तुहाडे कन्नां दे विच वजदा रहूगा। मेरा तुहाडे नाल वादा इस गल दा, मैं जिन्नी हिम्मत दे नाल पुत दा संस्कार कीता उन्नी हिम्मत दे नाल सिद्धू नूं तुहाडे नाल हर आखिरी साह तक जोड़न की कोशिश रखूँगा। फिर भी कोई किसी नूं ज़्यादा कोई वध घट बोल गया होवां वीरो, अणजाण दुखी बाप समझ के माफ़ कर दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਦੋਂ ਟੈਲੈਂਟ 'ਚ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਵਿਆਹ ਨੇ, 5ਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ, ਪੁੱਤ ਆਹ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।